यमुनानगर में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने जन चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बेईमानों की फौज है। मेवात में दहेज न मिलने पर शौहर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, वहीं पीड़िता ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। गोहाना में 38 दिनों से धरने पर बैठे 11 सफाई कर्मचारियों का समर्थन देने के लिए कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। हिसार में सेना की जांच एजेंसियों ने जासूसी के शक में 3 संदिग्धों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और कुछ फोटोग्राफ भी बरामद हुए हैं। हिसार के एक प्राइमरी स्कूल में सांप को स्कूल के हेडमास्टर ने हाथों में पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिसार में मामूली विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिसार में तीज के मौके पर कृषि विश्वविद्यालय और महावीर स्टेडियम में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में 4 दिवसीय तीज मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मेले का उद्घाटन ज्योत प्रज्वलित कर किया। सोनीपत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन में धांधली किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद यहां पहुंचे सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों ने हंगामा किया। सोनीपत के गांव बहालगढ़ में लोगों ने कम्युनिटी सेंटर की जगह थाने बनने को लेकर विरोध किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।